तो आज की इस वीडियो में हम जो डिफरेंस पढ़ने वाले बेटा वो है लॉ और एथिक्स के ऊपर, कि लॉ क्या होता है और एथिक्स क्या होता है। बड़ा प्यारा सा डिफरेंस है जिसके लिए मैंने आपके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पॉइंट लिखे हैं। और 9 पॉइंट आप समझ सकते हो, 9 पॉइंट काफ़ी होते हैं एक डिफरेंस को समझाने के लिए अच्छे से, और उसके बारे में कि नोट भी आप आराम से लिख सकते हो 9 पॉइंट से थोड़ा मिला जुला करके आप एक नोट भी तैयार कर सकते हो अगर नोट आपसे क्वेश्चन में पूछता है तो। क्लियर ना, यानी एग्जाम में अगर आपसे नोट पूछता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लॉ या फिर एथिक्स, तो आप आराम से उसे भी लिख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस डिफरेंस को। सबसे पहले देखो हमारे पास मीनिंग है, मीनिंग में मैंने लिखवाया कि द लॉ रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ रूल्स, यानी ये क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ रूल्स बताया गया है। लॉ को क्या बोला गया, लॉ रेफर्स टू सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द होल सोसाइटी, जो कि पूरी सोसाइटी को गवर्न करता है, एंड द एक्शन ऑफ इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स, और जो उसके इंडिविजुअल मेंबर है उनके एक्शन को भी क्या करता है, यहाँ पे ये गवर्न करता है, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो मैं आप पहले लिखता इसलिए हूँ ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि अगर मैं लिखते हुए समझाऊंगा तो बेटा 10 मिनट की वीडियो कम से कम 50 मिनट की बनेगी, जिससे काफ़ी टाइम आपका जाएगा। तो मैंने पहले ही लिख दिया है, अब मैं इसको समझाने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने पहली बात करी कि जो लॉ है वो रेफर्स करता है टू अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ रूल्स, यानी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ रूल्स को बताता है जो कि गवर्न करता है, दैट गवर्न्स द होल सोसाइटी, पूरी सोसाइटी को गवर्न करता है, और एक्शन ऑफ इट्स इंडिविजुअल मेंबर, और वहाँ उसमें जो मेंबर्स रहते हैं ना, जो मेंबर्स है उन इंडिविजुअल मेंबर्स के एक्शन को भी ये गवर्न करता है। जबकि एथिक्स की अगर हम बात करें तो उसने बोला ये ब्रांच है, एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मोरल फिलोसफी, जो कि गाइड करता है, दैट गाइड्स पीपल, जो कि पीपल को गाइड करता है अबाउट बेसिक ह्यूमन कंडक्ट, कि बेसिक ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन का जो व्यवहार है, मानव का व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए बेसिकली, तो उसके बारे में एथिक्स बताता है। क्लियर हो गया। तो दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, एनफोर्स या गवर्न की अगर हम बात करें तो उसको एनफोर्स करता है गवर्नमेंटल, एनफोर्स बाय गवर्नमेंटल, यानी गवर्नमेंट की बात करें सीधा तो एनफोर्स बाय गवर्नमेंट लिख सकते हो सीधा सीधा, या फिर एनफोर्स बाय इंडिविजुअल, ठीक है। ऑब्लिक करके मैंने लिखा है सोसाइटल अथॉरिटी भी, यहाँ पे इसे गवर्न कर रही सोसाइटल अथॉरिटी, और यहाँ पे सोसाइटल कॉन्साइंस, यानी एक तरह से बोलो तो अंतरात्मा की आवाज़, अंतरात्मा कहते हैं ना कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए, यार इसको नहीं मारना चाहिए, तो अंतरात्मा की आवाज़ ही आपकी एथिक्स है, एक तरीके से बोलूँगा एथिक्स यही तो है, आप फिर वो चीज़ नहीं करते तो समझ लो फिर आप अच्छे हो, ठीक है ना। तो वही चीज़ है एथिक्स के अंदर की, मतलब कि यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ करने से गलत होता है, इस टाइप की जो चीज़ है बेटा वो आपकी है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि मैं आपके पास जो पहले से नोट डाउन कर देता हूँ उसका सिर्फ एक मोटिव ये होता है कि आपका टाइम बचे, वरना अगर मैं लिखते लिखते समझाऊंगा बेटा तो 50 से 60 मिनट की वीडियो बन जाएगी, जो कि दिक्कत कर जाएगी आपके लिए भी, ठीक है ना। तो अभी हम क्या इसको फटाफट से 10 मिनट के अंदर अंदर कोशिश करेंगे निपटाने की, ठीक है। तो दो पॉइंट मैंने कवर करे कि जो लॉ है वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ रूल्स है जो कि गवर्न करती है होल सोसाइटी को, एंड द एक्शंस ऑफ इट्स इंडिविजुअल मेंबर, जबकि मैंने एथिक्स में बताया कि जो एथिक्स है वो इज अ ब्रांच ऑफ मोरल फिलोसफी, ठीक है ना, जो कि गाइड करता है पीपल को अबाउट द बेसिक ह्यूमन कंडक्ट क्या होना चाहिए उसके बारे में। एनफोर्स, ये एनफोर्स किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, या बोल सकते हो सोसाइटल अथॉरिटी बोल सकते हो, इसको गवर्न करता है कौन, इंडिविजुअल या सोसाइटल कॉन्साइंस, मतलब अंतरात्मा की आवाज। सेट की बात करें तो ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, नियम और अधिनियम का सेट होता है, जबकि सेट ऑफ गाइडलाइंस होता है बेटा, सेट ऑफ क्या गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं। बाइंडिंग, तो लॉ हैज लीगल बाइंडिंग, इसकी लीगल बाइंडिंग होती है, जबकि एथिक्स डू नॉट हैव अ बाइंडिंग नेचर, इसका बाइंडिंग नेचर नहीं होता, कि जो मेरे लिए जैसे मैं बताऊं तो मैं मुर्गा उर्गा ये सब चीजें नहीं खाता, ठीक है ना, तो ये मेरा कि भाई मैं मेरे हिसाब से उनको नहीं मारना चाहिए, ये मेरा रूल है, ठीक है ना, ये मेरे एथिक्स है कि मैं उनको नहीं मारना चाहता, मैं वो उनके साथ भी प्रेम भाव रखना चाहता हूँ। अब दूसरा बंदा अगर खा रहा है तो भाई उसके रूल्स अब उसके लिए अलग है, मेरे अलग है, मैं उसको बाइंड तो नहीं कर सकता, उसको रोक कोशिश कर सकता हूँ कि भाई तुझे भी नहीं खाना चाहिए, बट मान गया तो अच्छा, नहीं माना तो क्या कर सकता हूँ बताओ, ठीक है, मैं पीछे पड़ सकता हूँ, जा सकता हूँ, बार बार टोक सकता हूँ उसे, बट वही चीज़ है ना एथिक्स का, क्या बाइंडिंग नेचर नहीं होता कि आपको यही करना है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। जबकि लॉ में क्या बाइंडिंग नेचर होता है, लॉ ने एक बार चीज़ बोली कि ये करना है तो फिर बाइंडिंग हो जाता है सबके लिए कि आपको करना ही करना है, ठीक है। मीन्ट की अगर हम बात करें तो मीन टू कंट्रोल एंड रेगुलेट बिहेवियर, ये बिहेवियर को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए किया जाता है, ये गाइड और इंस्पायर करने के लिए किया जाता है बिहेवियर को, तो ये बिहेवियर को क्या कर रहा है, कंट्रोल और रेगुलेट कर रहा है, ये गाइड और इंस्पायर कर रहा है। क्लियर हो गया। देन उसके बाद पनिशमेंट की बात करें, अगर आप वायलेट करते हो, यानी वायलेशन ऑफ लॉ, अगर आप लॉ को
वॉयलेट करते हो इज नॉट परमिसिबल, वो आपको छूट नहीं दी जाएगी। याद रखना लॉ को कोई वॉयलेट नहीं कर सकता, तो उसने वो लिखा है वॉयलेशन ऑफ लॉ इज नॉट परमिसिबल, वो परमिसिबल नहीं माना जाएगा, जिसके कारण विच मे रिजल्ट इन पनिशमेंट, जिसके कारण आपको पनिशमेंट मिल सकती है, जैसे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट मतलब होता है जेल होना, ठीक है, या फाइन, आपके पास फाइन लग सकता है, या फिर दोनों, जेल भी और फाइन भी, या तो जेल होगी या तो फाइन होगा, या फिर दोनों हो सकते हैं, जेल प्लस फाइन एक साथ लग सकते हैं, ठीक है। तो अगर वॉयलेशन ऑफ लॉ, अगर आप लॉ को वॉयलेट करते हो, तोड़ते हो, तो वो परमिसिबल नहीं होगा बेटा, ठीक है, इज नॉट परमिसिबल, ठीक है। तो आपको मतलब लॉ को तोड़ने नहीं दिया जाएगा, अगर आपने लॉ को तोड़ा तो बेटा पनिशमेंट लेनी पड़ेगी, पनिशमेंट की फॉर्म में आपको जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है। बट यहाँ पे देयर इज नो पनिशमेंट फॉर वॉयलेशन ऑफ एथिक्स, एथिक्स को वॉयलेट करने के लिए कोई भी पनिशमेंट यहाँ पे नहीं है। नेचर की बात करें तो लॉ जो है ना रिलेटिवली ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है, जबकि एथिक्स जो होता है वो सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। रिजिड या फ्लेक्सिबल की अगर हम बात करें तो रिजिडिटी इन एप्लीकेशन, यहाँ पे रिजिडिटी देखने को मिलती है, ठीक है ना, क्या देखने को मिलती है, रिजिडिटी यहाँ पे देखने को मिलती है, जबकि अगर हम दूसरी तरफ चलें तो वो फ्लेक्सिबल है और अडेप्टेबल है बेटा, ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है और अडेप्टेबल है, आसानी से अडेप्ट किया जाता है, क्लियर हो गया। यूनिवर्सल की अगर हम बात करें या वेरी, V-A-R-Y मतलब चेंज है, वेरी मतलब चेंज है, ठीक है। तो यूनिवर्सल या वेरी की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल विद इन अ जुरिस्डिक्शन, ये यूनिवर्सल माना गया है, विद इन अ जुरिस्डिक्शन ये क्या है, यूनिवर्सल है, सब पे अप्लाई होगा, ठीक है ना। जबकि जो आपके एथिक्स है वो वेरीज हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं अमंग इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंडिविजुअल्स के बीच में अलग अलग, उनके अलग अलग एथिक्स हो सकते हैं, कल्चर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग एथिक्स हो सकते हैं, रिलीजन के हिसाब से अलग अलग एथिक्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो या यूनिवर्सल के लिए जो यूनिवर्सल विद इन अ जुरिडिक्शन, यानी एक जुरिडिक्शन का मान लो जैसे एक एरिया है, इस एरिया में ये लॉ अप्लाई है, तो ये एक तरह से यूनिवर्सल है, सबके लिए वैध है भाई, सबके लिए माना जाएगा, ठीक है, तो यूनिवर्सल विद इन अ जुरिडिक्शन, ठीक है ना। बट ये वेरी वाला पॉइंट इसके लिए है, तो वेरी मतलब वेरीज, वेरी मतलब चेंज हो रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग मतलब इंडिविजुअल्स के बीच में, कल्चर के बीच में, रिलीजन के हिसाब से चेंज होता रहता है, क्लियर हो गया। तो ये छोटा सा डिफरेंस था लॉ और एथिक्स के ऊपर, होप सो आपको समझ में आ गया होगा, मैं इससे ज्यादा आपका टाइम नहीं लेने वाला, ठीक है ना, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसे, और ठीक है याद भी कर लीजिए बेटा।